हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हो सका है। अब कार्यकाल में सिर्फ 1 साल 9 महीने बचे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार पर बढ़त दबाव के बीच 87 सरकारी विभाग व PSU ने वैकेंसी जारी की है। इस वक्त 45,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव करके सरकार के काम को तेज करने का प्रयास शुरू हुआ है। इसी के तहत रोजगार के मुद्दे पर सरकार फैसला लेने लगी है। याद रखने वाली बात है कि वर्ष 2014 के मैनिफेस्टो में रोजगार बढ़ाना BJP के मुख्य एजेंडे में शामिल था। केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल BJP सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टर में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां दे पाईं। उससे पहले के साल में यह आंकड़ा सिर्फ 1,55,000 था। अगर कांग्रेस शासन के आंकड़ा देखे तो पता चलता है कि दूसरी बार मनमोहन सरकार बनने के पहले साल यानी 2009 में 10.06 लाख नौकरियां दी थी। मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल में उतनी नौकरी नहीं दे पाई जितना कांग्रेस सरकार ने 1 साल में दे दिया था। ABP लाइव की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब भी 6,05,42,000 लोग बेरोजगार हैं। मोदी सरकार ने दबाव में जारी की 45,000 सरकारी वैकेंसी। फिलहाल मोदी सरकार ने दबाव के बीच केंद्र व राज्य सरकारों से नौकरियां देने का इशारा किया है। इसी के तहत 45,000 नौकरियां जारी हुई हैं। आपके लिए अवसर बनकर आई हैं ये सरकारी नौकरियां: क्लर्क, LDC, स्टेनो, जूनियर इंजीनियर, सहायक टीचर, फील्ड सुपरवाइजर, ऑफिसर, SI, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सिविल जज, मैनेजर, अकाउंटेंट, ड्राइवर एवं ग्रुप D, पुलिस, रेडियो ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ, अप्रेंटिस, केमिस्ट, फायरमैन आदि।